सोमवार को हरमू रांची स्थित आजसू पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रमुख केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देव शरण भगत ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि आजसू पार्टी ने 2021 को निर्माण रूप के वर्ष में घोषित किया था, जिसके तहत सबसे पहले उन लोगों ने 260 प्रखंडों में एक साथ प्रखंड सम्मेलन आयोजित किया, जहां 100-100 सक्रिय कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया गया है। वहीं दूसरे फेज में एक साथ 4,402 पंचायतों में एक ही दिन सम्मेलन आयोजित किया गया और तीसरे फेज में झारखंड के 24 जिलों में 16-17 दिसंबर को राज्य के 21 जिलों में आजसू का जिला सम्मेलन होगा। साथ ही अन्य जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें से 18-19 दिसंबर को रामगढ़ और गिरिडीह में जिला सम्मेलन होगा। साथ ही 10 दिसंबर को राज्य के सभी 260 प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय सामाजिक न्याय सभा सह एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं 21 दिसंबर को राज्य के सभी जिलों में जिला स्तरीय सामाजिक न्याय सभा सह एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में 1,00,000 सक्रिय सदस्य और 10,00,000 साधारण सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित था। आजसू पार्टी ने 2021 इस वर्ष को निर्माण वर्ष के रूप में घोषित किया था, जिसके तहत सबसे पहले हम लोगों ने 260 प्रखंडों में एक साथ प्रखंड सम्मेलन आयोजित किया, वहां 100-100 सक्रिय कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया। दूसरे फेज में एक साथ 4,402 पंचायतों में एक ही दिन सम्मेलन आयोजित हम लोगों ने किया। तीसरे फेज में झारखंड के 2400 जिला में 16 और 17 दिसंबर को सभी जगहों पे जिला सम्मेलन आयोजित किया गया है, खासकर दो जिला छोड़कर रामगढ़ और गिरिडीह जिला, रामगढ़ में 18 तारीख और गिरिडीह में 19 तारीख को जिला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पूरे प्रदेश में 1,00,000 सक्रिय सदस्य और 10,00,000 साधारण सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित था, हम इस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। सभी 1,00,000 सक्रिय सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए उन तमाम नए नेतृत्व को झारखंड के मूल्यबोध से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। अभी सभी अनुसंगी इकाई, जितने भी सहयोगी संगठन हैं, सबका पूरे प्रदेश के पंचायत स्तर तक गठन करने का निर्णय किया गया। न्यूज विंग के लिए रांची से संध्या की रिपोर्ट। ग्रिडीह इज अ स्मॉल प्लेस एंड वी हैव लाइक वेरी लेस फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ यू नो एजुकेशन एंड दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इट केम टू आवर माइंड दैट बेसिकली देयर शुड बी गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रिडीह, दोज हु आर लीविंग द टाउन एंड गोइंग आउटसाइड फॉर यू नो स्टडीज, देयर हायर स्टडीज एंड देयर एजुकेशन। I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn, you know, this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, you know, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.